अस्सलाम वालेकुम। सरकारी नौकरियों का ऐलान हुआ है पंजाब फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट में, वाटर मैनेजमेंट विंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में, उसके बाद ऑफिस ऑफ कमिश्नर सरगोधा डिवीज़न में, पंजाब सीड्स कॉरपोरेशन में, इसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में सरकारी पक्की नौकरियों का ऐलान हुआ है। जी हाँ, जब मैं पक्की कहती हूँ ना, वो पक्की ही नौकरियाँ होती हैं, एडवर्टाइजमेंट पे लिखा हुआ है। आप चाहे पंजाब के किसी भी शहर से हैं, आप चाहे लाहौर से हैं, फैसलाबाद से हैं, सरगोधा, अगर आप पंजाब का डोमिसाइल रखते हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर पंजाब, आप पंजाब, पूरे पंजाब से अगर आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है, आप बिल्कुल बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मेल्स की एज है इन्होंने 35 साल तक, और फीमेल्स की एज 38 साल तक, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी सीटें हैं, इसमें अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊंगी। ऑनलाइन इस पर अप्लाई होना है। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और अब भी इस महंगाई से तंग हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने वीडियो को लाइक भी करना है, इसको शेयर ज़रूर करना है। सदका जारिया के तौर पर दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलों में आपके साथ आसानी पैदा करता है, आपके साथ नरमी का मामला अल्लाह अख्तियार करता है। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो मैं आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊंगी, आपने मेरे साथ बने रहना है और बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करनी। ऑनलाइन इसका अप्लाई होना है, इसलिए अपने तवज्जो से इस बात को वीडियो को देखना है। इसमें सबसे पहले मैं आपको इसकी वैकेंसीज़ के हवाले से बता देती हूँ। 28 दिसंबर जनाब, आज है 28 दिसंबर, और 28 दिसंबर को ही ये अपलोड हुई है, एडवर्टाइज़ हुई है, पब्लिश हुई है, एक चीज़। दूसरी बात ये कि इसमें जो पोस्टें हैं हम उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। आखिरी तारीख जो है इसकी 12 जनवरी 2024 है, उससे पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई करना है। इसमें जो फर्स्ट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर, जो पंजाब फूड डिपार्टमेंट है, इसमें आप ऑल ओवर पंजाब जो है आप मेल फीमेल इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरियां हैं, लेकिन आपको मैं एक बात बताती हूँ, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कोई भी असामी आती है वो हमेशा परमानेंट होती है, और वो उस पर तो कोई किसी किस्म का कोई शको शुबा नहीं होता कि यार ये परमानेंट होनी है, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, ये है वो। इस चीज़ को अपने जहन में रखना है। असिस्टेंट डायरेक्टर फूड लेबॉरटरीज़ है, इसमें इनको एमएससी ऑनर्स चाहिए या एमएस इन फूड टेक्नोलॉजी है, फूड साइंसेस है, जिनका भी मास्टर्स है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। इसमें जो वाटर मैनेजमेंट विंग है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, बेसिकली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बहुत सारे विंग्स हैं, जिसमें वाटर मैनेजमेंट विंग, रिसर्च विंग, ऐसे ही उसका एक वाटर मैनेजमेंट विंग है, उसमें इनको चाहिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट इनको चाहिए, ठीक है। उसमें अगर एमएससी आपका एग्रीकल्चर में है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो मैं रिकमेंड करूँगी ना, वो मैं आपको बताती हूँ। पंजाब प्रोविंशियल यानी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है, प्रोविंशियल का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इसके ऊपर मैं आपको रिकमेंड करूंगी। और इसके ऊपर आपने ये नहीं देखना, असिस्टेंट की ये पोस्ट है, और अगर आपकी ग्रेजुएशन है, आपकी किसी में भी ग्रेजुएशन है, फर्स्ट वीएन है या सेकंड वीएन है, मेल है, फीमेल है, ऑल ओवर पंजाब आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ अपने जहन में रखनी है, ये नहीं देखना सीटें कम हैं, ज़्यादा हैं, या इस पर थोड़ी सीटें हैं, कैंडिडेट ज़्यादा हैं। मैं आपको बात बताऊं, हमेशा थोड़ी सीटों पे ना अक्सर बंदी की अपॉइंटमेंट हो जाती है। उसके पीछे वजह ये है क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, लेकिन पढ़ के इम्तिहान देने वाले कम होते हैं। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो बिलीव मी, आप देखेंगे कि आपके रास्ते कैसे आसान होते हैं, क्योंकि मैंने ये तजर्बे किए हुए हैं, मैंने इसी तरह से ही नौकरियाँ हासिल की हुई हैं। तो इंसान ने जो चीज़ें खुद हासिल की होती हैं ना, फिर वो दूसरों को भी वही रिकमेंड करता है। तवक्कल अल्लाह, रब को नहीं छोड़ना। अच्छा जी, उसके बाद अगला डिपार्टमेंट जो है ऑफिस ऑफ कमिश्नर सरगोधा डिवीज़न का है। इसके ऊपर सिर्फ सरगोधा डिवीज़न यानी सरगोधा, जिनका डोमिसाइल सरगोधा होगा, भकर होगा, खुशाब होगा और मियांवाली होगा, सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन बाकी सब पे सारे पंजाब वाले अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। इसमें स्टेनोग्राफर की हैं 9 पोस्टें हैं,
इंटरमीडिएट चाहिए और उसके साथ साथ आपकी शॉर्ट हैंड होनी चाहिए, वो हमारे जो हैं भाई उनको पता है, स्टेनोग्राफर्स हैं हमारे चैनल पे, स्टेनोग्राफर्स भी हैं, उम्मीद है कि वो अगर इस डिवीजन से हुई उनको ई डोमिसाइल हुआ तो वो ज़रूर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। मेल्स की उम्र 30 साल, फीमेल्स की इसमें 33 साल है। आगे है पंजाब सीड्स कॉरपोरेशन, ये भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक विंग है, पंजाब सीड्स कॉरपोरेशन, ठीक है। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट की आई हैं, जिसने एमएससी एग्रीकल्चर में किया हुआ है वो इस पर अप्लाई करेंगे। आगे है असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम है, इसमें जिनका एमएससी इन कंप्यूटर साइंसेस हैं वो इस पे अप्लाई करेंगे। ये 17वें स्केल की गजटेड पोस्ट हैं। उसके बाद अगला है असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसेसिंग, इसमें बीएससी मैकेनिकल और केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई करेंगे। आगे है असिस्टेंट इंजीनियर्स सिविल हैं, इसके ऊपर बीएससी सिविल इंजीनियर वाले और एडमिन ऑफिसर पर ग्रेजुएशन वाले, जिन्होंने मतलब ग्रेजुएशन की हुई है और मतलब उनका बीए बीएससी व्हाटएवर, अगर उनके पास 14 साल तलीम है, मैं ये एडमिन ऑफिसर वाला भी रिकमेंड करूँगी और मैं असिस्टेंट वाला भी रिकमेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैं स्टोर ऑफिसर वाला भी रिकमेंड कर रही हूँ, जो कि मैं अगला बता रही हूँ। रेगुलर इनकी पोस्टें हैं, अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, फर्स्ट डिवीजन है, वेरी गुड। अगर सेकेंड डिवीजन है तो भी इट्स ओके, बट आपने अप्लाई ज़रूर करना है। फीमेल्स 38 साल, मेल्स 35 साल, ठीक है। और उसके बाद आखिरी सब इंजीनियर है, पंजाब सीड्स कॉरपोरेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, 3 ईयर डिप्लोमा, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में किया हुआ है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चलें जी अप्लाई करने का तरीका देख लेते हैं। आज हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्लाई करने के लिए आपने गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है टूडे ऑल जॉब्स। ये देख लें जी, आप अपने सामने वेरीफाई कर लें इसको, स्पेलिंग्स को, टुडे ऑल जॉब्स। दिस इज़ बेस्ट वेबसाइट जो कि आपको जॉब्स के हवाले से, आपको ऑनलाइन काम के हवाले से बेहतरीन इंफॉर्मेशन इसके ऊपर मौजूद है। तो हम यहाँ से टुडे ऑल जॉब्स को जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी जॉब्स के हवाले से जो है वो इंफॉर्मेशन खुल जाएगी। ये देखें जी, पंजाब फूड अथॉरिटी की हैं, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लेटेस्ट आई हैं। उसके बाद कैबिनेट डिवीजन की हैं, भई इस पे अप्लाई करें, अभी इसकी तो बहुत दिन पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये एनएलसी की हैं, आप देखें ऑनलाइन काम है, पंजाब असम्बली की, मतलब लाइक इसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। तो क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो यहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जॉब के साथ है, तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं। इसको हम, मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल डिटेल्स बताती हूँ। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप इस पे क्लिक कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल का, तो आप इन पे क्लिक करके बआसानी हिस्सा बन सकते हैं। रोज़ाना बेसिस पर आपको जॉब्स की अपडेशन इस व्हाट्सएप चैनल से मिलती रहेगी जी। आखिरी तारीख 12 जनवरी है, ये आपके सामने देखें, इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह आपको कहीं पर भी नहीं मिलती। उसके बाद ये देखें जी, आप यहाँ पर आएँ तो हर डिपार्टमेंट है, उसके आगे पोस्ट है, नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, कब अपलोड हुई थी, क्या आखिरी तारीख है, कौन सी अखबार में हुई, ये वो सवालात हैं जो आप लोग मुझसे बार बार पूछते हैं और एक वीडियो में मतलब समटाइम जेन से भी निकल जाता है। यहाँ से भी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, यूट्यूब का, फेसबुक का, ठीक है। हर जगह पर जॉब्स की इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन काम के हवाले, सऊदीया की जॉब्स, दुबई की जॉब्स, सारी जॉब्स आपको, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ एडवर्टाइजमेंट भी लगी हुई है, ये देखें जी, ओपन ये भी हो चुकी है। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट देखे बगैर कभी भी अप्लाई ना किया करें। देखिए एडवर्टाइजमेंट पे भी 12 जनवरी लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट देखे बगैर कभी भी अप्लाई नहीं करते। अब आपने जब अप्लाई करना है, आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा जो डायरेक्ट आपको अप्लाई की ऑप्शन पे ले जाएगा। आपको बिल्कुल खपने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इधर से जो आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पर जा सकते हैं। बच्चों को अप्लाई करते हुए सबसे ज़्यादा मसला आता है फ़ोटोग्राफ लगाने पे, जिनको फ़ोटोग्राफ लगाने पे सीएनएसी अटैच करने पे मसला है वो यहाँ पर देख लें, जिनको ऑनलाइन डिपॉजिट फ़ी के हवाले से मसाइल हों वो यहाँ पर क्लिक करके पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। वीडियो रिगार्डिंग ऑनलाइन डिपॉजिट ऑफ फ़ी की भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मौजूद है। जब आपको सारा काम करना आ जाए तो यहाँ से आप फॉर एग्जांपल एडमिन ऑफिसर पे अप्लाई करना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे,
ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा जो बताएगा कि इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए, 3 पोस्टें हैं 16वें स्केल की, मेल की उम्र 35 है, फीमेल की उम्र 38 है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ऑल पंजाब, 600 रुपया जनाब इसकी फ़ीस है। हम इसको कर देते हैं प्रोसीड, ठीक हो गया। जैसे ही हम इसको प्रोसीड करते हैं तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है, कहा जा रहा है जी आपने वालिद का नाम और बाकी चीज़ें सारी दुरुस्त लिखनी हैं, अगर आप गलत लिख दें तो एडिट एप्लीकेशन वाला लिंक इस्तेमाल करते हुए आखिरी तारीख से पहले ठीक कर सकते हैं। इसको आप कर देते हैं आई कन्फर्म्ड। जैसे ही आप इसे आई कन्फर्म्ड करेंगे यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन ब्लिंक करेगा, हम इस पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने अभी अप्लाई ऑनलाइन का इंटरफेस भी खुल जाएगा, ये भी खुल जाता है। तो जैसे ही हमारे सामने ये खुल गया है आपके सामने यहाँ पर CNAC आ जाएगा, CNAC हमने विदाउट डैश भी अपलोड करना है और हम इसको प्रोसीड कर देंगे। असल चीज़ होती है कि आपको अप्लाई का लिंक मिल जाए, वो मैंने आपको बता दिया, आगे इन्फॉर्मेशन आपने अपनी पुट खुद करनी होती है और इस तरीके से आप बआसानी ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अप्लाई करने का तरीका भी समझ आ गया होगा और जॉब्स की स्पेसिफिकेशंस भी समझ आ गई हैं। अगर समझ आ गई हैं तो फिर वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया, लाइक करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और इसके बाद आपने मुझे दुआओं में याद रखना है, गला ख़राब हुआ हुआ है फिर भी, लेकिन मैंने कहा नहीं आज वीडियो लाजमी बनानी है, तबीयत ख़राब थी लेकिन मैंने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं, अच्छी जॉब्स हैं तो मुझे ज़रूर दूसरों को बताना चाहिए, अप्लाई किया करें। अल्लाह बेशक वो क्या कहते हैं, इन्ना लैसल इंसान इल्ला मसाअ व इन्ना सईहु सौफ युरा, बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है और पस तुम्हें तुम्हारी कोशिश दिखाई जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।